हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम खेलेंगे सिटी स्काईलाइन। आज हम बनाएंगे अपना सिटी में बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन जो सच में बहुत बड़ा है। इसमें 5 प्लेटफॉर्म है, मतलब एक मेट्रो स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म, मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकॉन भी दबा देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के गेम को फटाफट शुरू करते हैं। आज जो मैं बनाऊंगा बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन जो बहुत ही बड़ा होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये मेट्रो स्टेशन कोई फेमस जगह पर ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं दुबई सिटी को ही चुना, क्योंकि दुबई सिटी में देखो बहुत सारा बिल्डिंग है और बहुत सारा लोग भी रहता है। यहाँ पे एक स्टेडियम भी है और स्टेडियम के साइड में एक रेलवे स्टेशन है। देखो मेरा सिटी में बुलेट ट्रेन चल रहा है, ये देखो बुलेट ट्रेन खड़ा भी है, और ये देखो और एक आ। तो इस दुबई सिटी में बुलेट ट्रेन भी चल रहा है और बस वगैरह भी सब कुछ चालू है। तो मैं सोचा यहाँ पे जो जगह पड़ा है ना, यहाँ पे मैं बनाऊंगा वो बड़ा मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे छोटा सा रोड बना लेते हैं, उसके बाद इस रोड के साइड में मैं बनाऊंगा उस मेट्रो स्टेशन को। ये छोटा सा रोड बन गया, इस रोड के साइड में मैं बनाता हूँ उस मेट्रो स्टेशन को। ये वाला मेट्रो स्टेशन मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगा। चलो बना दिया। ओ भाई साहब कितना बड़ा है, मतलब कितना पटरी है देखो, मतलब 5 पटरी है इस मेट्रो स्टेशन में। और यहाँ पे मैं ना जंक्शन बनाऊंगा कि हर एक मेट्रो ना यहाँ पे आके रुकेगा और यहाँ से फिर वापस जाएगा डेस्टिनेशन पे। अभी स्टेशन तो बन गया है, रोड को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्टेशन में मेट्रो चलाऊंगा। चलो फटाफट रोड को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जितना भी पटरी था ना, देखो 5 ट्रैक है इस मेट्रो स्टेशन में, तो 5 ट्रैक को मैंने ऊपर उठा लिया और इसको जो है ना लाइन से कनेक्ट करता हूँ। और इस साइड में जो 5 ट्रैक है उसको यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, ताकि सारे मेट्रो ना उस सर्कल में घूम के फिर जाए, और जो स्टेशन में आ रहे वो भी पूरा एकदम सर्कल में घूम के फिर अपना स्टेशन में एंटर करे। पहले इस साइड का कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद उस साइड में सर्कल बनाऊंगा। गाइज इस साइड का जो लाइन था वो देखो कंप्लीट हो गया, दोनों लाइन को एक लाइन से मिला दिया और ये 3 लाइन को ना एक लाइन पे आके जुड़ दिया। लाइन को मैंने तोड़ के थोड़ा साइड में ज्वाइन कर दिया, ताकि सारे लाइन में ना सही से गाड़ी आ पाए, नहीं तो फिर कनेक्ट नहीं होगा तो गाड़ी भी नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्कल, छोटा सा सर्कल मैंने पहले ही बनाया था, तो उस सर्कल में ये लाइन को मैं जाके जोड़ देता हूँ। तो इसको 1-way बनाऊंगा कि एक लाइन से आए और एक लाइन से मेरा गाड़ी है ना जाए। सर्कल से 1-way लाइन बनाया मैंने कि इस लाइन से गाड़ी सिर्फ आएगा, जो मेट्रो आएगा ना तो सिर्फ इस लाइन से आएगा, और जाने के लिए फिर बनाना पड़ेगा। लाइन बना देता हूँ जाने के लिए, तो यहाँ से इसको जाने के लिए लाइन बना देता हूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि देखो इस लाइन से आएगा और इस लाइन से चला जाएगा वापस। तो इस साइड का लाइन का काम पूरा कंप्लीट हो गया, अभी उस साइड का लाइन का काम मुझे करना है। तो यहाँ से मैंने बोला था कि एक सर्कल बनाऊंगा इस जगह पे, एक सर्कल बनाऊंगा, फिर जाके ये लाइन को सारे लाइन को कनेक्ट करूंगा उस सर्कल में। उस साइड में छोटा सा सर्कल था, और इस साइड में ना मैं बड़ा सर्कल बनाऊंगा। ये क्या चीज़ बनाए, मैं पत्थर बनाए, इसको तोड़ देता हूँ। और बाकी पेड़ वगैरह है, ठीक है, कोई ना चलेगा। यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बन गया मेट्रो लाइन का। अब इस सर्कल को कनेक्ट करूँगा इस मेट्रो स्टेशन से। तो गाइज यहाँ पे 5 लाइन था, तो 5ों लाइन को देखो मैं कैसे कनेक्ट किया, एक के साथ ये दोनों को कनेक्ट कर दिया 3 लाइन, और ये जो 2 साइड में था उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जाने का करूँगा और एक आने का करूँगा, क्योंकि ये 1-way है, तो इसलिए मैं 1-way लाइन लेता हूँ और इसको थोड़ा घुमा के इधर उतर देता हूँ। ये जाने वाला हो गया, मतलब सारे ट्रेन ना यहाँ से निकल के इधर ही जाएगा, मतलब सारे जो ट्रेन है ना फिर इधर इस लाइन पे ही आएगा। एक लाइन पे बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा, फिर भी कोई ना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं ऐसा बनाया। और एक लाइन है ना वो यहाँ से बनाऊँगा, दूसरा लाइन भी बन गया है। अब जितना भी मेट्रो आएगा ना वो जाने के टाइम इस रास्ते से जाएगा और आने के टाइम इस रास्ते से आएगा। गाइस सारे लाइन का काम मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी देखो कितना लोग आना जाना कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर दिखाता हूँ, भाई साहब देखो कितना लोग, सारे के सारे प्लेटफॉर्म में देखो कितना लोग खड़ा है मेट्रो पकड़ने के लिए।
और यहाँ पे जो बस में जो सफ़र कर रहे हैं, मतलब मेट्रो से उतर के जो बस पकड़ रहे हैं, वो भी देखो कितना लोग खड़ा है यहाँ पे। और इस साइड मैंने एक बस स्टॉप बनाया था, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम अभी देखा कि यहाँ पे जो लोग उतरेगा ना, तो वो लोग उस साइड जाने के लिए फिर इधर से घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ना इसको एक फुट ओवरब्रिज बना देता हूँ, पैदल चलने के लिए ओवरब्रिज। तो ओवरब्रिज बनाने के लिए मतलब इस साइड से उस साइड जाएगा, तो पहले ऊपर वाला बना लेते हैं, ऐसा करके रोड क्रॉस करेगा फिर जाके उस साइड उतरेगा। तो यहाँ पे लगा दिया, और इस साइड मतलब जो बस स्टॉप है ना वहाँ पे उतरेगा। देखो अभी बन गया, अभी जो भी पैसेंजर यहाँ पे उतरेगा ना, तो वो सीधा ओवरब्रिज के थ्रू उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे पैसेंजर उतरा ना बस से, तो वो जो फुट ओवरब्रिज है उधर से चला जाएगा उस साइड में। तो इस साइड ना खाली जगह पड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन कर देता हूँ, पार्क वगैरह लगा देता हूँ, ताकि देखने में भी अट्रैक्ट लगे और लोग आए भी यहाँ पे। अरे वाह, कितना बड़ा पार्क मैंने बना दिया यहाँ पे। अभी देखना इस बस में कितना पैसेंजर आएगा और इस पार्क को देखने के लिए आएगा। और इस साइड पर खाली पड़ा है, यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ पे भी छोटा मोटा पार्क लगा देते हैं। देखिए ऐसा पार्क है ना, इस साइड लगा देता हूँ और ये भी बना देता हूँ, ताकि देखने में और अच्छा लगे। तो रास्ते के साइड में सारा पार्क लगा दिया। अभी इस बस में ना बहुत पैसेंजर आएगा उस इस पार्क को देखने के लिए। भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है? अच्छा, पानी का दिक्कत है। चलो भाई पानी दे देता हूँ इसको। चलो पानी दे दिया, और इलेक्ट्रिसिटी का भी दिक्कत हो सकता है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर से कनेक्ट हो गया है, इसीलिए इसको करंट भी मिल गया है। भाई साहब ये बस देखो, ये डबल डेकर वाला बस है। अरे भाई, मैंने बुर्ज अल अरब के लिए जिस बस को बनाया था, उसी बस को इस लाइन में भी चालू किया। तो डबल डेकर मतलब दो दो वाले के बस है। गाइस देखो पार्क में कितना लोग आ गए हैं इस पार्क को देखने के लिए, और यहाँ पे जो बस है ना, वो बस में भी काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और इस बस लाइन में तो हद से ज़्यादा है यार। देखो अभी बस गया और इतना लोग जमा हो गया, मतलब जो लोग मेट्रो से आ रहे हैं ना, सब लोग बस में ये देखो बस में चल गया। और ये भाई साहब कितना लोग है यहाँ पे, और मेट्रो स्टेशन में भी हद है यार, कितना मतलब बहुत सारा मैंने लाइन बना दिया, इसीलिए हर एक लाइन से ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ओ भाई ये मेट्रो रुका क्यों नहीं? इसका स्टॉप नहीं है क्या? तो यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, जो बस से आ रहे हैं उसके लिए तो सही है, लेकिन जो गाड़ी लेके आ रहे हैं ना, पर्सनल कार, उसको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये दोनों साइड में ना एक एक छोटा छोटा पार्क बना देता हूँ, ताकि जो गाड़ी लेके आएगा ना उसको पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगा। इस साइड में एक छोटा बना देता हूँ, ये बहुत ही छोटा पार्क है, ताकि ये पार्क करके ना अंदर जा सके। और इस साइड में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। चल मेट्रो स्टेशन आएगा ना, वो यहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर मेट्रो स्टेशन में अंदर जाएगा। इस साइड में भी एक बना देता हूँ छोटा सा। और ये जो ये बर्थ प्लाजा सब है ना, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन है ना, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए इसका साइड में भी छोटा मोटा पार्क बना देता हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट है, तो यहाँ पे आके लोग बास्केटबॉल खेलेंगे। ये चिपर बेलून टूर है, तो यहाँ यहाँ से ना बड़ा बड़ा बेलून छोड़ेगा और वो आसमान में उड़ेगा, देखना। ओ भाई देखो, ये अभी मैंने बनाया और ये बेलून छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया, और ये ना घूमता रहेगा। देखो काफ़ी सारा बेलून है ना यहाँ पे घूम रहा है, तो ये बहुत मज़ेदार लगता है, अपना सिटी को ना बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, और जो टूरिस्ट आता है वो भी देख के खुश हो जाता है, भाई कितना अच्छा डेकोरेशन किया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताओ मेरे वीडियो, और आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बुलेट ट्रेन आता है, मैंने बुलेट ट्रेन चालू किया था, तो बाहर का ट्रेन है अभी आने वाला है, बुलेट ट्रेन आके यहाँ पे रुकता है, और जो पैसेंजर बाहर से आ रहे हैं ना वो भी फिर बस में चढ़ के मेट्रो स्टेशन में चला जाता है, क्योंकि जिसको अंदर जाना है ना तो वो मेट्रो स्टेशन से फिर अंदर चला जाता है। तो भाई बुलेट ट्रेन आ गया, ये देखो मैंने बोला था ना बुलेट ट्रेन चालू किया, ये देखो मेरा बुलेट ट्रेन स्टेशन में रुका है, अभी जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे, तो जिसको भी जाना है वो बुलेट ट्रेन में जा रहा है। गाइस ये मेट्रो स्टेशन बना के ना मुझे मज़ा आ गया यार, मतलब
मतलब पांच प्लेटफॉर्म एक मेट्रो स्टेशन में, आप समझ सकते हो कितना बिजी है। मतलब देखो ये बाहर भी मतलब अरे भाई साहब, पांच प्लेटफॉर्म है फिर भी इसको बाहर रुकना पड़ रहा है, कितना मेट्रो चल रहा है इसमें। सच में यार मज़ा आ गया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ यार। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।